स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आकाश यादव आपके लिए और कंप्यूटर एग्जाम के लिए मैथ की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो आज की आपकी क्लास तीसरे नंबर की क्लास है, पार्ट थर्ड है, ठीक है। जो आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा था उसका आगे का नेक्स्ट देखते हैं क्या है आज के लिए, ठीक है। अगर आपने अभी अपने यूट्यूब चैनल गीगा स्टडी को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अपने वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें क्योंकि जिससे आपको लाइक करने से आपके सभी भाई बहनों पर ये वीडियो पहुंच सकती है, ठीक है, पहुंच जाएगी। और जैसा आप लोग ठीक लगे वैसा करना, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के लिए, मैंने जैसे ही बताया था वो आपके लिए देखते हैं। एक बात के लिए सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि पिछली बार वीडियो में आपके लिए पीडीएफ नहीं दे पाया था, इसके 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं दे पाया था। मैं आज आपके लिए 100% आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। थोड़ी पीडीएफ रेडी नहीं हो पाई थी इसलिए आपकी मिस्टेक रह गई थी उसमें, इसलिए भी मैं पीडीएफ नहीं दे पाया था। लेकिन आज कंफर्म बोलता हूँ, आज की वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज आपके लिए मैंने करीब 2 ट्रिक करा दी थी विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो आप देख लेना, आपकी तीसरे नंबर की है जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक। एक सेकेंड, मैंने हाँ 2 ट्रिक करा दी थी आपकी, टाइप थर्ड आएगी आज। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। जैसा आपको मैंने बताया था, पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ पिछली वाली ट्रिक का, ठीक है। एक सेकेंड, तो जैसे हमने बताया था आपके लिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका एग्जाम्पल है पिछली वाली ट्रिक का एग्जाम्पल है, जैसे आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है मैं बता देता हूँ। वो आपका एग्जाम्पल है 100 का मतलब कितना परसेंट 1000 का 100% का 100%, तो इसमें 100 का कितना परसेंट इज इक्वल टू 100 का वो 1000 का 100% दोनों बराबर होंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दोनों तरफ आपको परसेंटेज दिया हुआ है, ट्रिक में बताया था मैंने, अगर आपको दोनों तरफ परसेंटेज दिया हुआ है तो आपको परसेंटेज काट देना है, मतलब आपको परसेंटेज को हटा देना है बिल्कुल यहाँ से। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम x मान लेते हैं, मतलब 100 का x परसेंट, मतलब x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ पे बता देता हूँ x, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इन वो 1000 इंटू 100 बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1000, यही है आपका 100%, ठीक है। यही है आपका पूरा सही है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सही बताया था। तो आगे आप करते हैं आपकी नेक्स्ट ट्रिक। आप बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कंफर्म कि आपको अगर दोनों तरफ दिया हुआ है परसेंटेज तो आपको परसेंटेज से परसेंट काट देना है और आपको उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, जो पूछा गया है। तो आगे आपकी ट्रिक कराते हैं, तब तक के मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको ट्रिक बताता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं आज की आपकी फर्स्ट ट्रिक। तो मैंने आपको बताया था 2 ट्रिक आपको पिछली वीडियो में करा रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और आपकी आज की थर्ड ट्रिक है
वेन मतलब जब आपको ए इंटू एक्स परसेंट प्लस बी इंटू वाई परसेंट अगर आपको पूछा है कितना होगा, मतलब कितना परसेंट जो परसेंट होगा, देन तब आपको क्या क्या करना है उसमें, तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल परसेंटेज मतलब पूरी का परसेंटेज करने के बाद इज इक्वल टू आपको परसेंटेज ज्ञात करना है। तो यहाँ से परसेंटेज आपको परसेंटेज कट जाएगा और ए एक्स प्लस ए एक्स इंटू बी वाई इज इक्वल टू आपका ये पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से पूरा क्लियर कर दूंगा। जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, जैसे टू का मतलब टू इंटू थ्री परसेंट इज इक्वल टू फोर इंटू एट परसेंट आपका कितना परसेंटेज होगा, टू इंटू थ्री परसेंट इज इक्वल टू फोर इंटू एट परसेंट आपका कितना परसेंटेज होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से करके आपको पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एग्जाम्पल करके बता दूंगा कैसे करना है आपको। ठीक है, और आपका सॉरी और आपका अगर ये तो ये बार तो प्लस वाला है, अगर माइनस में पूछता है वो यही माइनस में हो जाएगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। सॉरी, प्लस की जगह पर ओनली माइनस हो जाएगा, यहाँ से ए एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू बी वाई परसेंटेज इतना हो जाएगा और ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू यही बोलगा पूरा परसेंटेज माइनस में हो जाएगा और यही प्लस में हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से आपको कर सकते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। ठीक है, मैं चलो एग्जाम्पल तो आ चुकी है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करके दिखा दे ट्रिक से। ठीक है, मैंने वही दिखाया है कि 30 मतलब 2350 का 60% प्लस 1120 का 45% इज इक्वल टू 300 का कितना परसेंटेज। ठीक है, तो हम इसे ट्रिक से सॉल्व करके दिखाते हैं। मैंने बताया था आपको वही ए का एक्स परसेंट प्लस बी का वाई परसेंट इज इक्वल टू कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, इसी हिसाब से आपको देख सकते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, पूरा परसेंटेज कॉमन देख लेते हैं इसमें से। और 2350 इंटू 60 प्लस 1120 इंटू 45 इज इक्वल टू 300 का कितना परसेंटेज। तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा 60 और कितना, 60 का मल्टीप्लाई 2350 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 84 60 प्लस 45 का इसमें करेंगे तो 50 400। ठीक है, और आगे 300 मतलब 3000 इंटू कितना परसेंटेज, परसेंटेज से तो परसेंटेज हमने कैंसिल कर दिया है और इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे। एक्स मान लो, कुछ भी मान लो यहाँ पर आप जो भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक्स मान लेता हूँ मैं, एक्स का कितना वैल्यू निकल के आएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा। ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 00 और 6 4 10, 4 और 1 5, 8 और 8 5 13, Y 3000, 3000 है ना, तो 3 0 से 3 0 कट गए और ये हो जाएगा 3 6 12, 1 5 15, X की वैल्यू आ गई 45। ये आपका आंसर है। ये देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं इसे ट्रिक से। ठीक है, ये देख सकते हैं। और आगे आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दूसरा एग्जांपल कराऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं आपका एग्जांपल नंबर टू क्या है। ठीक है, तो ये है आपका एग्जांपल नंबर टू, 120 का 20% प्लस 400 का कितना परसेंटेज, वो 500 इंटू 16% होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज ले लेते हैं और 120 इंटू 20 है ना, हाँ 20 है, प्लस 400 इंटू कितना होगा इज इक्वल टू 500 इंटू 16% के बराबर। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो और यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, 400 इंटू कितना एक्स मान लेते हैं यहाँ पर, 400 इंटू एक्स या प्रश्न यही रहने, प्रश्न मार्क रहने देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, जीरो जीरो और जीरो 5 6 30,
ठीक है, 30,000 माइनस ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा ना माइनस 20 मतलब 2014, 2400 हुआ, और आगे आपको कितना हुआ ये देखते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 00, और 10 में थे मतलब 10 में से 4 गए तो कितना हुआ 6, और यहाँ आपका 982 गया 7, और ये इतना हुआ। और एक्स क्वेश्चन मार्क्स मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, वाई 400 400 और 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, और यहाँ से आपका हो जाएगा मतलब 4 4 6 24, और कितना बचा 25 26, 3 बचे और 4 9 36, एक्स मान एक्स की वैल्यू आ गई आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 69, इतना ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ। ठीक है, और आपका ये देखते हैं आज इस एक्स वाले ट्रिक्स पर आपको यही क्वेश्चन बताए जाएंगे, और आगे ट्रिक पर देखते हैं, अगली ट्रिक अगली नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम आ चुके हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हमें आपके लिए नया कुछ कराने वाला हूँ, लॉ ऑफ इंडिसेस। नेक्स्ट स्लाइड में आपको लॉ इंडिसेस मतलब घातांक के नियम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है ये आपको बताते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस के सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ क्या है, जो रूल्स है वो आपको स्टेप बाय स्टेप विद एग्जाम्पल के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल्स है आपका, अगर आपको ए की पावर एक्स प्लस इंटू ए की पावर वाई आपको दिया हुआ है, तो ए की पावर आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, अगर 2 की पावर आपको 2 दिया है इंटू और 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो आपका ये 2 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू कितना हुआ 2 की पावर 5, 2 2 2 2, ये आपका 2 2 4 2 8 2 16 2 32 हुआ। ठीक है, बिल्कुल मैं बारीकी से लेकर चल रहा हूँ आपको, बारीकी से आपको अपर लेवल तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका 32 हुआ। ठीक है, तो आगे का रूल्स आप देख लेते हैं क्या है, आगे रूल्स के लिए मैं आपको लिख के बता दूंगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हम आ चुके हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा रूल क्या है, रूल नंबर सेकंड आपका, रूल नंबर सेकंड है, ए की पावर एक्स भागे ए की पावर पाई आपको दिया हुआ है, तो आपका क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। अगर जैसे देखना 2 की पावर 4 भागे 2 की पावर 2 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। ये आपका रूल नंबर सेकेंड है, और आगे आपका रूल नंबर थर्ड हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, चलते हैं। तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड, तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए रूल तीन रूल लिख रखे हैं, तीन रूल लिख रखे हैं और विद एग्जाम्पल आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो आपका सबसे पहला रूल है तीसरा नंबर का, अगर आपको ए की पावर एक्स की होल पावर एक्स मतलब कोई बाई दे मतलब बाई दे रखा हो, कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे ये मैंने दे रखा है, अगर 2 की पावर 3 की होल पावर 3 दे रखा है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है ए की पावर एक्स इंटू वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 इंटू 6 हो जाएगा, 3 इंटू 6, और 3 इंटू 6 आपका कितना हुआ, 3 इंटू 6 आपका हो जाएगा 7, 3 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 3, 3 3 9 3 7 3 243, 3 3 9 3 7 3 243, 743 हुई होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हुआ फर्स्ट। और आपका रूल नंबर फोर्थ है आपका, अगर ई की पावर माइनस एक्स ये रखा हो तो ई की पावर 1/e की पावर x हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 की पावर 3 -3, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/1
वन अपॉन टू की पावर थ्री, तो मतलब वन अपॉन टू की पावर थ्री कितना हुआ, दो चार दुनी आठ, वन अपॉन एट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए की पावर एक्स दिया हुआ है, जैसे यही मान लेते हैं टू की पावर थ्री दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर टू की पावर थ्री माइनस वन अपॉन इतना हुआ है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा वन अपॉन टू की पावर माइनस थ्री, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ गया हुआ नहीं आया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल क्लियरिटी से समझा दूंगा विद एग्जांपल। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आपको बताते हैं कुछ और। तो हम आ चुके हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है खास आपके लिए। तीन रूल्स, वो चार रूल और बचे हुए थे, वो मैं करा देता हूँ। आपका फर्स्ट नंबर रूल जो है अगली स्लाइड का, वो है आपका अगर अंडर रूट में आपको दे रखा है कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे अंडर रूट ए दिया रखा है, तो ए की पावर वन बाई टू, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। ठीक है, ये मतलब मैं पूरा क्लियर करके चल रहा हूँ, जिससे कोई जड़ मजबूत हो जाए और आपको अगले से नेक्स्ट एग्जाम में कोई भी मतलब परेशानी ना हो आपके लिए। ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल जाएंगे हम लोग। तो ये आपका एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिसका अंडर रूट मैं मान लेता हूँ 49 ले लेते हैं, 49, ये आपका हो जाएगा सेवन, सेवन का हो जाएगा ना, तो 49 की वन बाई टू हुआ इज इक्वल टू सेवन आपका आंसर हुआ। और ऐसे इसे ले लेते हैं 200, मतलब कितना ले लेते हैं, आठ ले लेते हैं, आठ का क्यूब तो हो जाएगा ना, तो एट हो जाएगा, एट की पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू हो जाएगा इसका। और ए की पावर जीरो, ये तो सभी लोग जानते हैं, जैसे टू की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो, फोर की पावर जीरो, टोटल कुछ भी हो, सबकी पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, संख्या की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। और ऐसे इसी मान लेते हैं ए की पावर एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू, ये हुआ वन की पावर वन, ए की पावर वन अपॉन बाई इंटू हंड्रेड इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा वाई अंडर रूट में ए की पावर, अंडर रूट में ए की होल पावर एक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसका एस आर ए का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंडर रूट 64 की होल पावर, अंडर रूट नहीं यार, इसका एग्जाम्पल पूरे बता देता हूँ, 64 की होल पावर 5/3। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 64 की होल पावर 5, ये कितना हुआ, 64 किसका वो है घनमूल, तो इस ये हो जाएगा 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024। ये हुआ आपको, ये मैंने करीब 9 रूल्स हैं जो करा दिए हैं। अब बाकी की जो प्रैक्टिस है मैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द कराने वाला हूँ, अगली वीडियो कल ही आने वाली है ना, तो कल आपको इन सभी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और जो कुछ रूल बचे हुए हैं वो आपको अगली वीडियो में कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हमारी अगर वीडियो पसंद आई हुई है, तो इसे जरूर से लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अपने चैनल की गासिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।